हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ेनिया लाइफस्टाइल। एंड अब अगेन मैं आप लोगों के सामने हूँ और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो। बहुत मजेदार है यार, मुझे बड़ा मन था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ अभी अपने मम्मा पापा के साथ। तो यार बड़ा मजा आ रहा है मुझे और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैं बहुत टाइम से लॉकडाउन में थी और कहीं और फंस गई थी। यार आप लोगों से शेयर करना तो बनता है बिकॉज यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं अपने घर पे हूँ और मैं आप लोगों के लिए कोई कंटेंट बना पा रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, आई एम रियली फीलिंग रिलैक्स्ड एंड हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, अब थिंग्स जो है वो थोड़ी नॉर्मल है। और आज मैं आप लोगों से आप लोगों ने टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों से आज क्या शेयर करना चाहती हूँ। जी गाइस, आज मैं अपना वैनिटी ट्यूर आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो भी है मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, दैट्स वाई आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल गाइज। और ये आप सब देख सकते हैं ये जो है मेरा वैनिटी है, आप सब देख सकते हैं। और इस पे मैंने लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ज़ेनिया लाइफस्टाइल लिखा हुआ है इस पे। और ये जो वैनिटी है ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ये मेरी मम्मा का है, ये उनकी शादी की वैनिटी। और आप सब देख सकते हैं इतने साल हो गए माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छे से इसे रखा है। और मोस्टली मैं ही इसकी केयर करती हूँ, जब भी मैं घर पे आती हूँ मैं इसको स्पेशली बहुत नीट एंड क्लीन करके बहुत अच्छे से इसको रखती हूँ। आप देख सकते हैं इतने साल के बाद भी ये बिल्कुल एज इट इज लग रहा है। और ये सोनी ब्रांड से है गाइस, ये सोनी से है और ये मेरी मम्मा को शादी में मिला था। चलिए ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत हो गई बातें, इनफ फॉर ब्लैबरिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, आप सब देख सकते हैं क्योंकि बहुत साल पहले का है गाइस, बहुत साल पहले का है ये। तो पहले इस तरह के वैनिटी बैग्स आते थे और ये सब आप देख सकते हैं। ये जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं ये सब मेरे हैं और मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि इसमें क्या क्या है। ये आप लोग देख सकते हैं ये इसका सबसे फर्स्ट कंपार्टमेंट है, सबसे ऊपर वाला इसका कंपार्टमेंट है और इसमें ये मेरी सारी मेकअप की चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो कंपार्टमेंट है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसमें मेरा एक कंसीलर पड़ा हुआ है जो वेट एंड वाइल्ड है, जो मैं अपने बहुत सारे मेकअप वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। और ये मेरे बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स पड़े हुए हैं गाइस, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ वहाँ होती हैं, लाइक बहुत सारे मेकअप्स मेरे दिल्ली में होते हैं, बहुत सारे मेरे यहाँ घर पे होते हैं। तो ये जो अभी मेरे पास अवेलेबल है मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस कंपार्टमेंट में आप सब देख सकते हैं कि मेरी सारी जितनी भी लिपस्टिक्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मैक की लिपस्टिक है, निक्स की लिपस्टिक है, ये सारे लिपस्टिक्स हैं, नायका की है, लॉरियल की है, शुगर की है, ये सारे लिपस्टिक्स मेरे यहाँ पर रहते हैं। ये वेट एंड वाइल्ड की है, गिव मी मोका, तो ये सारे लिपस्टिक्स यहाँ पर रहते हैं। लैक्मे 9 to 5, L18, ये सारे ब्रांड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं ये मेरा डेली बेसिस वाला ब्रांड है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती हूँ। तो ये सारे मेकअप सारी लिपस्टिक्स हैं और ये जो है आप देख सकते हैं मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेबलिन का ये है, आलिया लव्स एन वाई बे, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। अगर आप लोग कोई बहुत अच्छा लिप बाम ढूंढ रहे हैं जस्ट गो फॉर इट यार, बहुत अच्छा लिप बाम है ये। आप सब देख सकते हैं मेरे पास दो शेड है, ये है हाईलाइन वाइन जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट शेड है और ये है मैनहट्टन, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैनहट्टन मॉव, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चले ये कंपार्टमेंट जो है ये मेरी लिपस्टिक का कंपार्टमेंट है और मुझे ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है जब भी मैं यहाँ घर पे आती हूँ, मेरा मेकअप इसी में होते हैं, मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करना। दूसरा आप देख सकते हैं इस कंपार्टमेंट में ये की रखी हुई है जो इस वैनिटी की की है और ये जो मेरा ब्लश है आप सब देख सकते हैं मेबलिन का मास्टर फ्लश क्रिएटर, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्लश है, इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे शेयर करा हुआ है और बहुत बेहतरीन वाला ब्लश है, आजकल मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरा कॉम्पैक्ट है, लोरैक ब्रांड का है और ये फॉरेन ब्रांड है, ये USA से मैंने मंगवाया था, तो ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है गाइज, बहुत बेहतरीन वाला है, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। और ये जो आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट
दो और इसमें रखे हुए हैं, एक है ये मेबलिन और एक है ये कलर बार, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं, इसलिए मेरे वैनिटी में है और मैं इसे डेली बेसिस पे ही यूज करती हूँ। मैं अपने वीडियोज में भी, मेकअप वीडियोज में भी आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा होगा इसे यूज करते हुए, तो ये बहुत ज्यादा ही अफोर्डेबल है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और ये आप एक देख सकते हैं, ये मैं शार्पनर रखती हूँ यार, कभी कभी जरूरी हो जाता है शॉर्पनर रखना। और ये जो मेरा एक ब्लश है, ये फेसेस कैनेडा से है, ग्लैम ऑन ब्लश। ये भी मैंने अपने टॉप 5 फेवरेट ब्लशेस में आप लोगों से शेयर करा था, ये मेरा फेवरेट ब्लश है। और इसमें ये वाला जो कंपार्टमेंट है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें मेरे कुछ मस्कारा और कुछ काजल रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेबलिन का है हाइपर कर्ल मस्कारा है, और ये लैक्मे से है आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा, और ये दोनों ही मेरा फेवरेट है और मैं इसे यूज कर रही हूँ आजकल बहुत ज्यादा। चलिए अब आईलाइनर और काजल में देखते हैं मेरे पास कौन कौन सा है। ये मैंने रखा है यहाँ पे मेबलिन का न्यूयॉर्क, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत वक्त से मैं यूज कर रही हूँ, पता नहीं कितने टब मैंने इसके यूज कर रखे हैं बहुत ज्यादा। और ये मेरे पास है मेबलिन का सुपर ब्लैक जो है कॉलोसल काजल है, और ये कौन सा है, ये फेसेस का है, मेरे पास फेसेस के भी और भी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी फेसेस का है ऑल टाइम प्रो, बहुत अच्छा है ये। और ये नायका का है ब्लू काजल, और बहुत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार काजल आईलाइनर, आई जस्ट रियली लव इट लॉट। और ये देखिए, ये बिल्कुल टर्कोइज ग्रीन कलर का काजल है लैक्मे का, ये कलर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसमें एक मेरा ये फेस रेजर रखा हुआ है, तो ये मेरी कुछ एसेंशियल्स हैं इसमें। चले ये कंपार्टमेंट तो खत्म हो गया जी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में मैंने क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक बिंदी दिख रही होगी, ये छोटे छोटे बिंदीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं मुझे पर्सनली बिंदी लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आप देख सकते हैं ये बिंदी रखी है। और ये कुछ मेकअप ब्रशेज हैं मेरे जो मैं इसमें स्टोर करके ही रखती हूँ, क्योंकि यार हम अपने फेस पे से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मेरा मिरर पड़ा हुआ है, बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा पुराना है, मुझे लगता है ये मेरे बहुत स्कूल टाइम का मिरर रखा है इसमें। और ये जो मेकअप स्पॉन्ज आप देख सकते हैं, ये मिनिसो से है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये 200 रुपीज़ का मैंने लिया था, और बहुत अच्छा मेकअप स्पॉन्ज है। अगर आप कोई अच्छा मेकअप स्पॉन्ज लेना चाहते हैं तो यू जस्ट कैन गो फॉर इट। और ये है लूज पाउडर है लैक्मे की तरफ से जो मेरे पास रखी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसमें सनस्क्रीन भी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। प्राइमर के लिए मेरे पास यहाँ पर दो प्राइमर मेरे पास रखा हुआ है जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये कलर बार से है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है गाइज, कलर बार की तरफ से है, आई थिंक 800-900 रुपीज़ का आता है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइट पर है। और ये थोड़ा अफोर्डेबल साइट पर है, आई थिंक 500 के अप्रॉक्स ये वाली आ जाती है और बहुत अच्छी है, डुई ल्यूमिनेक्स। अगर आप लोगों को डुई मेकअप करना पसंद है तो यू जस्ट कैन गो फॉर इट, बहुत अच्छा है, वेट एन वाइल्ड की तरफ से है। काफ़ी वेट एन वाइल्ड के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे वेट एन वाइल्ड का ब्रांड काफ़ी अच्छा लगता है यार, अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा है। ये आप सब देख सकते हैं ऑल टाइम ब्राउ किट है वेट एन वाइल्ड की तरफ से, इसमें पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर है वेट एंड वाइल्ड की तरफ से, प्रेशियस पेटल, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यूज करती हूँ। ये मेरा एक फाउंडेशन रखा हुआ है इसमें इनविजिबल, जो मेरा फेवरेट है, आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो जरूर आप लोगों को पता होगा। ये भी मेरा वेट एंड वाइल्ड का कॉन्चोरिंग पैलेट है, आप सब देख सकते हैं, ये आप सब देख सकते हैं, इसमें कुछ बिंदीज पड़ी हुई है, ये मेरी मम्मा की है, थैंक सो। और ये आप सब देख सकते हैं, ये पैलेट है, आई शैडो पैलेट है, ये भी आई शैडो पैलेट है, और ये सब आई शैडो पैलेट्स है, ये मेकअप रिवॉल्यूशन की का आई शैडो पैलेट है, और ये वेट एंड वाइल्ड का आई शैडो पैलेट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये एक पैलेट है जो जिस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है यार, बहुत ज़्यादा, फेसेस कैनेडा ऑल टाइम प्रो, इसमें ब्रॉन्जर भी है, ब्लश भी है और हाइलाइटर भी है, तो मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये हो गया मेरा, और ये एक मेरी मम्मा का सिंदूर इसमें रखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। तो ये मेरा वैनिटी टूर था, और इतनी ही चीज़ें हैं अभी मेरे पास फिलहाल, और जितनी हैं माशाल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, मेरा काम चल जाता है इतने में। वो कहते हैं ना, मतलब अल्लाह आपको जितना देते हैं आपको उसमें खुश रहना चाहिए, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, जो भी है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ और सेटिस्फाई होना चाहिए गाइज,
आप लोग एग्री करते हो ना। और अगर आप लोगों को आज का मेरा ये टूर पसंद आया हो और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और पसंद आए तो प्लीज़ यार प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना यार, बहुत मेहनत लगती है कॉन्टेंट क्रिएट करने में, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय।